जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नू, मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया। अज का मुद्दा वेख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करदा जी और प्यार भरी सत श्री अकाल सारे दर्शकों नू। नॉर्थ अमेरिका दे विच वसदे उन्हां व्यूअर्स नू जो कि साडे इस प्रोग्राम नू रोजाना वेखदे हन, ते अज भी असी कोशिश करांगे कि उन्हां मुद्दियां दे उत्ते गल की जा सके, उस मसले दे उत्ते गल की जा सके जो कि नैशनल अते इंटरनैशनल पद्धर ते गंभीर विषय बने हुए हैं, गंभीर मसले बने हुए हैं। जेकर असी इन मसलों की गल करिए अज लगभग कई सालों के असी वेख्या कि पब्लिक डोमेन के उत्ते मसलों की गल होंदी है, उन्हां इशूज़ की गल होंदी है जो कि सिर्फ सियासी ही मसले नहीं होंदे, धार्मिक मसले नहीं होंदे, या फिर वो मसले किसी सियासतदान के नाल नहीं जुड़े होंदे, या फिर वो मसले जो कि सोशल मीडिया के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े ने वो अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन कोशिश रहिंदी है साडी कि असी उस मुतलक विचार वटांदरा करिए जो कि वाकई ही पब्लिक डोमेन के उत्ते अपनी जगह बनाउंदे हन, और उन्नू असी पिंड की सत्थ दे विच बह के कदी कवार उस मसले के उत्ते विचार वटांदरा करदे हुए वेख्या। जिस मसले बारे असी अज गल कर रहे हैं, इस मसले नू असी जद घर दे विच बहने हाँ, जद यह मसला उठता है तो विचार वटांदरा हर किसी के अपने जिहड़े तर्क होंदे ने इस मुतलक वो देंदे ने, और जिहड़ियां अखां नम हो जांदियां हन जद यह मुद्दा उठता है तो वो भी जज्बात वो भी जिहड़े उन्हां नू ठेस पहुँची है वो भी सामने आउंदी है। जेकर मैं गल करां इशूज़ दी और इशूज़ नू हल्लाशेरी कौन दिंदा, पॉलिटिकल पावर नू गेन करन दे लई पिछले कई सालों तो असी वेखते आ रहे हैं कि जिहड़े मसले ने जिहड़े इशूज़ ने वो सिर्फ ना तो अपने निजी फायदियां लई, ना तो फिर सिर्फ अपने स्वार्थ दे लई, या तो फिर अपने पॉलिटिकल पावर दे लई कुर्सी दे उत्ते विराजमान होण दे लई जिहड़ा मुद्दियां दी गल हुंदी है, लेकिन इंसाफ और जिहड़ी इंसाफ दी तस्वीर है वो धुंधली है। उन्हूं जद असी मिटाउण दी कोशिश करदे हां तां धुंधलापन जिहड़ा वो अजे भी नज़र आउंदा, लगदा कि हाँ कुछ हो सकता, तां उन्हूं कहिंदे हां असी सियासी शब्दावली जेकर मैं यूज़ करां तो उन्हूं कहिंदे मिठी गोली, जो अज तो नहीं कई सालों तो पंजाबियों नू सिख भाईचारे नू मिल रही हैं। यह सिर्फ भारत दे विच ही नहीं बल्कि सिख डायसपोरा यानी कि साडे NRI भरा भी यह मिठी गोली पिछले कई सालों तो खा रहे हैं। अज जिहड़े दर्शक मैनू देख पा रहे होने उन्हां दी इन्नी उम्र होएगी अज उन्हां दी इन्नी उम्र होएगी जिहड़ी है मिठी गोली उन्हां नू दित्ती जा रही है, और मिठी गोली पॉलिटिकल पार्टीज़ दी एक वो गोली हुंदी है जो समय समय दे उत्ते सही समय दे उत्ते वोटरां नू वसनीकां नू और लोकां नू दित्ती जांदी है। सब कुछ तुहानू पता है, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट कि की वापरिया सीगा और किहड़े किहड़े तशद्दुद किहड़े किहड़े जुल्म जिहड़े ने इस कौम ने सहे ने वो अज तो नहीं पिछले कई दहाकियां तो गुरु साहिबाना तो यह गल चलती हुई यह जिहड़े तशद्दुद ने यह चलदियां हुई आ रही हैं, इहदे विच कोई निवेकलापण नहीं आया। जिथे जिथे सिखां दा बोलबाला होया, जिथे जिथे सिखां ने अपनी पहचान दिखाई है, जिथे उन्होंने अपनी मेहनत दे सदका अपने एफर्ट्स दे जरिए अपने ऑनेस्टी दे जरिए अपनी ईमानदारी दे सदके जिथे जिथे उन्होंने अपने कदम रखे हैं उत्थे उत्थे किसी ना किसी ताकत ने उन्होंने खत्म करन दी, उन्हां दे इतिहास नूं मिटाउण दी, ते इन्ना ही नहीं बल्कि उन्हां दी होंद नूं खत्म करन दी भी कोशिश कीती। ऐ सियासी गलियारियां दे विच जिहड़ी गूंज नज़र आउंदी है अज उहदा नतीजा है कि फिर भी अपने इस इंटैलीजेंट दे सदका अपने इस हार्डवर्क दे सदका सिखां ने हार नहीं मन्नी, अज दावेदारी ठोकती है कैनेडा दे विच प्रधानमंत्री अहुदे दी,
और बड़े माण दे नाल कहना पैंदा कि डिफेंस मिनिस्टर भी कैनेडा दा एक सिख है। हार नहीं मनी ना, चाहे यह मिठी गोली सियासतदानों ने दिती चाहे सिखा ने लिती, लेकिन हार नहीं मनी। यह मिठी गोली है ना जी पॉलिटिकल पार्टीज जिहड़ियां हैगियां है उन्हां दे ज़हन दे विच यह रहिंदा है कि असी यह मिठी गोली दे देंगे, और उन्होंने पता होंदा कि यह जिहड़ी दवाई है ना प्रिस्क्रिप्शन दे उत्ते कद लिख के देनी है ताकि इहदा जिहड़ा अंजाम है वो उसी हिसाब नाल होए, और उन्होंने पता होंदा कि आगाज़ कद होएगा इहदा। और किथे ना किथे मसलियां दे उत्ते अगर मैं कहां तो क्वेश्चन मार्क लग जाता। मैं हमेशा इस गल नूं कहना और मैं बिल्कुल अज भी कहांगा कि जेड़े भी पार्टी दे हिमायती सानू सुन पा रहे ने सानू वेख पा रहे ने अज उन्हां नूं मैं ओन एयर यह गल कहांगा कि तुसी एक भी मसला जिहड़ा वह दस दो जिहदे अगे क्वेश्चन मार्क ना होए। सियासी रोटियां सेकणियां यह असी मनदे आ कि भारत विच लोकतंत्र जिहड़ी दी गल कीती जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री की गल कीती जाती है, लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस असी अगर करिए ता क्वेश्चन मार्क जिहड़ा है वह क्यों नहीं हटता, क्यों एक डाउट जिहड़ा वह साडे मनां दे विच हमेशा रह जांदा। की सानू लगता कि जिहड़े सियासतदान ने उन्हां नूं सिखण की लोड़ हैगी है, उन्हां नूं इन्ना कॉन्फिडेंस लैवल पैदा करन की लोड़ हैगी है कि जिहड़ा क्वेश्चन मार्क है ना यह हटाया जा सके। अज जिहड़ा असी मुद्दा लैके आए हैं ना वह भी किसी ना किसी क्वेश्चन मार्क के अधीन ही है, संबंध रखता क्वेश्चन मार्क के नाल। वो क्वेश्चन मार्क इस करके है कि जिहड़ा संताप हंडाया है, और अकी अगर अगर असीं सिखां दी गल करिए जिहड़ा घाण सिखां दे नाल 1984 दे विच वापरिया वो तुसीं आप जानदे हो, तुहाडी आप बीती है और तुहाडी आप दी कहानी है। मैं कल इस मुतलक गल कर रहा सीगा, असीं इस मुतलक गल कीती सीगी और मैं वेखे सीगे तुहाडे इन्हां इस विषय दे उत्ते जिहड़े तुहाडे फीडबैक सीगे तुहाडे कमेंट सीगे, असीं धन्नवाद करदे हां कि तुसीं अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स इस इंटरनेशनल पद्धर दे उत्ते अपने फीडबैक देते हो, अपने सजेशन्स देते हो, जिस करके उन्हां पैरोकारां दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचती है और एक प्रैशर जिहड़ा वह क्रिएट हुंदा, और प्रैशर क्रिएट होने तो बाद किथे ना किथे उन्हां दे कन्न दे विच जाके यह गूंज सुनाई देती है कि नहीं हुण सिख डायसपोरा ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा, वह बहुत ज़्यादा सोच रहा और यह काम हुण सानू करना पएगा। और जब क्रैडिट लैण दी गल आती है तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, वो नहीं ऐ तो जिहड़ी मिठी गोली ने तो मैं वेची सी, ऐ तो क्रेडिट तो मैं लवांगा। तो गल इस मिठी गोली की है, और गल इस करके है क्योंकि जिहड़ी खबर सामने आई है हुण जिहड़ी एक सुरखी बनी है खबर, वो खबर है जी कि 1984 नूं लैके अज तक, मैं बिल्कुल शॉर्ट दे विच गल करांगा, 34 ईयर्स हो गए, 34 साल हो गए कि भाई सज्जन कुमार जगदीश चाइटलर, और किन्नी वार ए सामने भी गल आई है कि विटनेस ने आप कहा कि इन्होंने मोबलिंची की और टारगेट किया सिखा। पहला तो जिहड़ी विकीपीडिया गूगल की वो लिखती है जी सिख 1984 रॉयट्स दंगा मनती है, लेकिन अज सिख डायसपोरा जब इनू यूएसए की धरती के उत्ते कैनेडा की धरती के उत्ते यूके की धरती के उत्ते यूरोप की धरती के उत्ते जब इनू जेनोसाइड करार दिंदा है, उत्थे दियां सरकारां मनदियां हन उत्थे दियां हकूमतां मनदियां हन कि यह जेनोसाइट है नसल खुशी है, सिखां नू चुन चुन के टारगेट किया गया सीगा। तो फिर अज यह क्वेश्चन मार्क जिहड़ा है ना यह बनता है कि क्यों नहीं इनू भारत दे विच जेनोसाइट करार दिता जांदा। वक वक कमिश्नां बनाईयां गईयां कि अज यह कोर्ट फैसला करेगा, अज यह जज फैसला करेगा, अज यह कमीशन फैसला करेगी। 11 इनिंग्स चलियां और 11 वार जिहड़ी है वह मिठी गोली दित्ती गई। 34 सालों के 11 वार समय समय दियां सरकारां ने, लेकिन फैसला इंसाफ नहीं आया। हुण एक तजवीज़ रखी गई है, तजवीज़ यह करके रखी गई है कि 11 सितंबर नूं फास्ट ट्रैक कोर्ट दा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रोजाना सवेरे 11 सितंबर तो यह शुरुआत हो रही है। जिहड़ी दलीलां हन इस मुतलक सुनिया जाणगियां सज्जन कुमार नूं ते जिहड़े होर इस दे विच जाए सी अक्यूज ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ 11 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਲਤਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਟਨੈਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੋਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ। 2019 ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ? ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਲੈ ਰਹੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਔਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਸ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੂਫ ਕਰਾਂਗਾ।